साथियों, मैं झारखंड की जनता को भी नमन करता हूं। झारखंड के तेज विकास के लिए हम अब और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे और इसमें भाजपा का एक एक कार्यकर्ता अपना हर प्रयास करेगा। साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्र ने आज दाखवून दिले तुष्टीकरणाचा सामना कसा करायचा। छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहूजी महाराज, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब आंबेडकर, वीर सावरकर, बाला साहब ठाकरे, ऐसे महान व्यक्तित्वों की धरती ने इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और साथियों, बीते 50 साल में किसी भी पार्टी या किसी भी प्री पोल अलायंस के लिए ये सबसे बड़ी जीत है। 50 साल के बाद और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं, ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा के नेतृत्व में किसी गठबंधन को लगातार महाराष्ट्र ने आशीर्वाद दिए हैं, विजयी बनाया है। और ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। साथियों, ये निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। ये भाजपा के गवर्नेंस मॉडल पर मुहर है। अकेले भाजपा को ही कांग्रेस और उसके सभी सहयोगियों से कहीं अधिक सीटें महाराष्ट्र के लोगों ने दी है। ये दिखाता है कि जब सुशासन की बात आती है तो देश सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर और एनडीए पर भरोसा करता है। साथियों, एक और बात है जो आपको और खुश कर देगी। महाराष्ट्र देश का छठा राज्य है जिसने भाजपा को लगातार 3 बार जनादेश दिया है। इससे पहले गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश में
हम लगातार तीन बार जीत चुके हैं और बिहार में भी एनडीए को तीन बार से ज्यादा बार लगातार जनादेश मिला है और 60 साल के बाद आपने मुझे तीसरी बार मौका दिया, ये तो है ही है।